रोजाना कुछ नया कर रहा है, नए आयाम तय कर रहा है, दुनिया को अपने मिशन से चौंका रहा है, दुनिया को बता रहा है कि भारत ने सिर्फ चांद पर पहुंचने का ही काम नहीं किया है, बस यही उपलब्धि हासिल नहीं की है, बल्कि आज जब 8 दिन भारत को चांद पर पहुंचे हुए हो गए हैं, तो भारत अब तक बहुत से कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, ऑक्सीजन समेत कई तरह की गैस ढूंढ चुका है, तापमान के बारे में पता कर चुका है और भी बहुत कुछ। वहीं पाकिस्तान में भारत के चंद्रयान मिशन के सफल होने से हलचल है। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम भारत के चंद्रयान मिशन पर भारत को बधाई देने में जरा भी पीछे नहीं रही, वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी, पाकिस्तानी समाचार पत्र भी भारत की इस उपलब्धि को लेकर बधाई दे चुके हैं। वहीं देखिए किस तरह से तंज भरे अंदाज में अपनी ही सरकार को कोसते भी दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के एंकर। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एंकर का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी किसी से पीछे नहीं है, हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सिर झुकाने नहीं दिया, भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हुआ, हम तो पहले से ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई, बिजली के बिल, गैस की कीमत, पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं। बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान की असल तस्वीर दिखाई है। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है, हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है, आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं, हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिजा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम। एक समय में पाकिस्तान पर फख्र करने वाले ये पत्रकार हैं, जो आज भारत के चंद्रमा पर पहुंचने पर जैसे हताश से हो गए हैं और अपने देश को खूब लानत मलानत भेज रहे हैं, तंज भरे अंदाज में पाकिस्तानी प्रशासन को उसकी औकात दिखा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की क्या औकात है, पाकिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या क्या है जो आसमान पर है, लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। पाकिस्तानी एंकर ने यही तो बताया है, भारत चांद पर पहुंच गया है, हम भी आसमान पर ही हैं, पाकिस्तान का तो सब कुछ ही आसमान पर है। अब सोशल मीडिया पर लोग लगातार पाकिस्तानी एंकर के इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अरविंद चोटिया नाम के यूजर ने लिखा, चांद पर भारत और आसमान पर पाकिस्तान, दुनिया के सबसे विकसित देश पाकिस्तान के न्यूज एंकर अपनी सरकार की तारीफ के पुल भारत के चंद्रयान के बहाने बांधे जा रहे हैं। भगवान प्रसाद गौर ने लिखा, सच्चाई बयां कर दी एंकर ने। दिलीप कुमार सिंह ने भी वीडियो साझा किया, लिखा, भारत से भी ज्यादा पाकिस्तान न्यूज में सिर्फ चंद्रयान को लेकर दिन रात चर्चा चल रही है, देखिए भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हुआ, हम तो पहले से ही आसमान पर हैं। सुमित नायक भारत नाम के यूजर ने लिखा, भारत चांद पर है तो क्या हुआ, पाकिस्तान भी आसमान पर है, दुनिया के सबसे विकसित देश पाकिस्तान की न्यूज एंकर अपनी सरकार की तारीफ के पुल भारत के चंद्रयान के बहाने बांधती हुई। श्रीराम नाम के यूजर ने लिखा, भारत तो आसमान में सफल चंद्रयान पर लैंडिंग होने की खुशी मना रहा है, लेकिन असली खुशी तो पड़ोसी आतंकवाद देश पाकिस्तान को मनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हर वस्तु आसमान पर है। कृष्ण राजपूत नाम के यूजर ने लिखा, अगर पाक के न्यूज एंकर आज से सालों पहले अपनी सरकार के आतंकवाद को समर्थन और इस्लामिक कट्टरता के विरोध में आवाज उठाते तो शायद आज ये सच्चाई बयां करने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर अभी भी समय है आतंकवाद और कट्टरपंथी सोच छोड़ शिक्षा को अपनाओ। प्रेम चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, पाकिस्तान की ईमानदार मीडिया ने दिल खुश कर दिया। वहीं कई लोगों ने पाकिस्तान के एंकर की तारीफ भी की है। शशिकांत नाम के यूजर ने लिखा, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन उस वीडियो को देखकर इतना तो जरूर लग रहा है कि आपके देश पाकिस्तान में पत्रकारिता का स्तर जरूर आसमान में है। इसके लिए मैं आपकी पत्रकारिता की खुले दिल से तारीफ करना चाहता हूं। इस मामले में
हमारे यहाँ के चरण चुंबकों को आपसे सीखने की जरूरत है। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तानी एंकर की तरफ से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाली रिपोर्टिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वैसे ये सच भी है कि पाकिस्तान में हर मूलभूत सुविधा के लिए आवाम को परेशान होना पड़ रहा है। लगता है जैसे कोई नहीं है जो अपनी आवाम की चिंता करता हो। लगता है जैसे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनकी आवाम जिए या फिर मर जाए। आटा, दाल, चीनी, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल सबके दाम तो आसमान पर है ही, और दोषी कौन है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। वैसे जिस तरह से पाकिस्तानी महिला एंकर ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर अपनी ही सरकार को कोसा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप जानते हैं कि स्पेस मिशन के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी, और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं, और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है।